मांझी, महान समाजवादी नेता व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना वर्तमान समय की मांग है और इससे पूर्वांचल के 20 करोड़ भोजपुरिया समुदाय के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होगी। ये बातें पूर्व सांसद आनंद मोहन ने गुरुवार को मांझी के बलिया मोड़ पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही। इससे पहले फ्रेंड्स ऑफ आनंद से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मांझी पहुंचने पर श्री आनंद मोहन का गाजे बाजे के साथ फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा, 5 दशकों तक समाजवादी आंदोलन के ध्वजावाहक रहे पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने से देश का मान सम्मान और बढ़ेगा। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अपनी जान जोखिम में डालकर देश व समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून उनका हक है। इस कानून को लागू कराने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे। बिहार में जारी राजनीतिक गहमा गहमी एवं उनके बेटे के पाला बदलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, वो जो कुछ भी करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। उन्होंने कहा कि एहसान की कीमत व सूद समेत चुकाते हैं। श्री आनंद मोहन का स्वागत करने वालों में गोबर ही पंचायत के पूर्व मुखिया देवेंद्र सिंह, उमा शंकर ओझा, मयंक ओझा, नागेंद्र ठाकुर समेत सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद थे। बाद में श्री मोहन अपने काफिले के साथ बलिया के लिए रवाना हो गए। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। ये कोई केस ही नहीं हुआ था, ये सूचना थी, आवेदन पत्रकारों के लेकर के। मैंने बहुत सारे राज्यों में है जो सुरक्षा कानून है, लेकिन पत्रकारों का कोई सुरक्षा कानून नहीं है सर बिहार में। बिल्कुल होना चाहिए, चौथा स्तंभ देश का, लोकतंत्र का मीडिया है, प्रेस है। और जिस तरह से खतरे मोल लेकर वो सूचना एकत्र करता है तो सुरक्षा भी लाजमी है। सर, भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का भारत रत्न दिलवाने में सर आपका अहम भूमिका रहेगा, इस पर सर क्या कहना है? देखिए, चंद्रशेखर जी के कतार के ढेर सारे लोगों को भारत रत्न दिया गया। मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर जी देश रत्न थे, उन्हें किसी उपाधि की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर उनके समकक्ष लोगों को धड़ल्ले से भारत रत्न दिया जाता है तो ऐसे में उनके समर्थकों का ये आवाज कि चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिया जाए, ये लाजमी उचित, और इसको बुलंदी से उठाएंगे हम लोग। ठाकुर ठाकुर ही नहीं है जिसके आंख में पानी और मन में करुणा न हो और लोगों के प्रति प्रेम और सद्भाव न हो, वो ठाकुर ही नहीं है। वो जो संकीर्ण होगा वो ठाकुर नहीं होगा, जो ठाकुर होगा वो संकीर्ण नहीं होगा। सर क्या कहेंगे, ऐसा क्या मुसीबत आन पड़ा कि चेतनानंद को पाला बदलना पड़ा? पाला हम नहीं बदलते हैं, जो हम करते हैं वो डंके के चोट पर करते हैं, पाला उला नहीं बदलते। पाला बदलना होता तो हम सीधे आकर के सत्ता पक्ष में मेंबरी को ताक पर रख करके, मेंबरी को उछाल के और आकर के सीधा सीधी जहां हमको साथ देना था, हम एहसान का बदला भी सूद समेत चुकाते हैं और अपमान का हिसाब भी समय पर करते हैं। सर, भारत के प्रधानमंत्री आनंद जी से संबंधित आप लोगों ने FIR किया था अपहरण का जी। अब वो है कि यहाँ से निकलने के बाद वो पाटलिपुत्र थाना में गए, क्या वो केस कंटिन्यू स्टैक करेगा कि केस को आप लोग? अब ये चेतन आनंद और जो FIR किए हैं, ये स्थितियां जो परिस्थितियां आएंगी उस अनुसार बात में। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।